हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुर्बान और आप देख रहे हैं डी ई बी टेक। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो कार है, इसका स्टार्टिंग प्रॉब्लम है जो बाढ़ के वजह से अंदर पानी घुस गया था कार के, तो उसके बाद कार स्टार्ट नहीं हो रहा है। एक छोटा सा गलती कार में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और हम लोग हर कोई गलती करते हैं और हम लोग गलतियों से ही सीखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हमेशा गलती करें, है ना। तो कार में भी ऐसा कुछ हुआ, तो ये क्या हुआ मैं आगे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं इस कार में हुआ क्या। इस कार में देख सकते हैं जो क्लस्टर मीटर पे ऐप आ रहा है और कार स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो जो हमारा टेक्नीशियन है यहाँ पे, तो ये लोग कार में ECM BCM पेप्स इशू सभी कुछ चेंज किया, दूसरा गाड़ी से इसमें लगा के चेक किया। तो चारों चीज इसलिए लगाया है क्योंकि आप पार्टिकुलर एक मॉड्यूल चेंज नहीं कर सकते दूसरा गाड़ी से ला के, क्योंकि इसका जो भिन नंबर है ये मिसमैच होगा। और साथ ही जो किलोमीटर होता है, हो सकता है उस कार का किलोमीटर इसमें चला जाए या फिर इस कार का किलोमीटर उसमें चला जाए। इसलिए आपको चारों मॉड्यूल यहाँ पे लाके चेंज करना है। अगर किसी दूसरे गाड़ी से लाके इस गाड़ी में लगा रहे हैं लेकिन, तो पूरा चारों आपको मॉड्यूल लगाना है। तो इसमें चारों मॉड्यूल लगाने के बाद भी कार स्टार्ट नहीं हो रहा था और यहाँ पर ECM जो है लैपटॉप में ECM कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो पहले तो कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, अभी सिर्फ ECM कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। अभी ECM कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ रीज़न हो सकता है, या फिर हो सकता है ECM ख़राब हो, या फिर हो सकता है फ्यूज रिले ख़राब हो, या फिर हो सकता है वायरिंग का कुछ इशू हो। तो फ्यूज तो ये लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, रिले भी चेक कर चुके हैं, और ECM तो है दूसरा कार से ले आई, वो कार भी सही है, उसका उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी रह गया कैनलाइन के वजह से ही इसमें कुछ इशू हो सकता है। तो आपको तो पता है मेरा काम है स्टेप बाय स्टेप चेक करना। अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे तो हमें प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी मिलेगा। और हमारा फर्स्ट स्टेप होगा फ्यूज़ को चेक करना। सबसे पहले हम लोग फ्यूज़ रिले को चेक करेंगे। तो चलिए फ्यूज़ को चेक करते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे पूरा फ्यूज़ चेक किया। फ्यूज़ कर चेक करते समय मुझे ये फ्यूज़ मिसिंग दिख रहा है। यहाँ पे एक फ्यूज़ होना चाहिए, इस जगह पे फ्यूज़ एक मिसिंग है। अभी ये फ्यूज़ किस चीज़ का है अभी देखना है। अभी फ्यूज़ यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, कितना नंबर मिसिंग है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर, यहाँ पे 7 नंबर रखते हैं, 1 2 3 4 थैंक यू भाई साहब। और यार साहब हाल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ पे EMS प्लस 5 एम्पियर का फ्यूज होना चाहिए, तो ये नहीं है। और यहाँ पे जो ग्राउंड देख रहा है, राउंड मतलब TCU टेलीमेट्रिक यूनिट, टेलीमेट्रिक यूनिट होना नहीं चाहिए। तो टेलीमेट्रिक यूनिट नहीं होने के वजह से, मतलब टेलीमेट्रिक होना ही नहीं चाहिए, लेकिन इसमें टेलीमेट्रिक यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें टेलीमेट्रिक की जगह पे ये 5 एम्पियर लगाए, हालांकि यहाँ पे लगाना चाहिए था। तो उन लोगों को खोल के यहाँ पे लगाए, चले इस जगह को खोल के इसमें लगाते हैं। अब देखते हैं, फ्यूज कूलर तो इनके पास है नहीं, तो अपने पॉकेट से निकलना पड़ेगा फ्यूज कूलर। हाँ देखिए, इस जगह में होता ही नहीं, इस जगह में फ्यूज़ होता ही नहीं। अभी आपको दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, हाँ अभी देख सकते डिफरेंस, अभी डिफरेंस देख सकते क्या आप। इस जगह का देखिए और इस जगह का देखिए, यहाँ पे पिन है, मतलब इसमें फ्यूज़ होना चाहिए, इसमें है ही नहीं पिन, मतलब इसमें पिन नहीं होगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। काफ़ी बार जल्दबाजी में क्या करता है टेक्नीशियन, उनको पता नहीं होता है, इधर का उधर करने से उनको कंफ्यूज हो जाता है। तो अभी हम लोग इसमें लगा के देखते हैं ECM कनेक्ट होता है कि नहीं होता है। चलिए देखते हैं, अभी लगा लिए, अब चलिए देखते हैं। इससे पहले चाय पी लेते हैं, अब चाय पीने के बाद हम लोग चेक करते हैं। अभी फ्यूज लगाने के बाद भी ऐप दिखा रहा है, पूरा लाइट जल रहा है, अभी पूरा लाइट जल रहा है, इधर ऐप दिखा रहा है,
पे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ तो है कुछ। अभी हमें चेक करना है क्या गड़बड़ है। अभी हमारा सभी सिलेक्ट हो चुका है, अभी इसमें करते हैं, इसी हमको डायरेक्ट देखते हैं, थोड़ा जल्दी होगा हमें। अभी तक तो होना चाहिए, अभी भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब नो कम्युनिकेशन या फिर स्टार्ट कम्युनिकेशन फेल, ये फेल हो रहा है। अभी ये फेल क्यों हो रहा है उसको चेक करना है। चले देखते दूसरे जगह पे, देखते हम लोग और एक चीज़। ये भी तो आप फेल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए येलो जल रहा है, हालांकि ये ग्रीन होना चाहिए। इग्निशन ऑन है, एसेसरीज मोड में ये येलो होगा, लेकिन इस ये तो इग्निशन ऑन कंडीशन में भी येलो दिखा रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम है। चलिए दूसरों भी चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे भी देखना होगा यहाँ पे क्या है। अभी यहाँ पे देखते हैं, कस्टमर एक्स्ट्रा एसेसरीज बहुत सारा लगाया था, इसके साथ में ये वाला फ्यूज़ लगाया। अभी ये भी तो फ्यूज़ खोला हुआ है, अभी इसको हम लोग लगा के देखते हैं। इसको लगा लिया, अभी देखते हैं इग्निशन ऑन करके क्या दिखाता है क्या नहीं दिखाता है। अब देखिए ग्रीन आ गया, यहाँ पे इग्निशन हो गया। अभी हम लोग स्टार्ट करके देखते हैं एक बार, लास्ट दबाया, स्टार्ट किया, स्टार्ट भी हो रहा है, चेक इंजन भी चला गया। ठीक है, ओके ओके, प्रॉब्लम था यहाँ पे और सामने दो जगह पे प्रॉब्लम था। अब भी हम लोग इग्निशन ऑन करेंगे, तो इग्निशन ऑन हो गया, यहाँ पे स्विच अच्छे से ग्रीन हो गया, और यहाँ पे है ऐप चला गया, और हम लोग ऑटो स्कैन कर चुके हैं। अब पूरा मॉड्यूल कम्युनिकेशन हो रहा है, ई सी एम से लेके पूरा मॉड्यूल जहाँ भी मॉड्यूल है कम्युनिकेशन हो रहा है। वह डी टी सी वगैरह आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा चीज़ खुला हुआ, यहाँ पे बहुत सारा डी टी सी है, क्योंकि गाड़ी में बहुत सारा चीज़ खुला हुआ है, पूरा नंगा हुआ है गाड़ी, तो इसकी वजह से डी टी सी आ रहा है। और अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इसलिए क्यों हो रहा था इसलिए। और इसका मेजर प्रॉब्लम था ये दूसरा गाड़ी का सभी सामान इसलिए लगाया, मैं दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। पानी में घुसा था गाड़ी, स्टार्ट नहीं हो रहा था। यहाँ पर पेप शिशु का हाल देखिए, पेप शिशु इतना ख़राब हाल है, इस कंडीशन में कैसे स्टार्ट होगा, होगा ही नहीं। तो ये है कंडीशन, ये सब की वजह से स्टार्ट नहीं हो रहा था, बाकी तो बीसीएम से ही लग रहा है। बीसीएम में तो कुछ इशू नहीं लग रहा, बीसीएम का कपलर सही है। पुराने इशू में क्या होता है, तब मैं पेप्स को प्रेस कर, जितना भी पेप्स प्रेस करूँ कुछ काम नहीं होता है, मैं क्लस्टर में कुछ भी नहीं आता। पर अभी देखिए मैंने बैटरी लगा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पार्किंग जैसे ही दूँगा, यहाँ पे ये आ रहा है पार्किंग देने के बाद, इसके मतलब मैं क्लस्टर मीटर में वोल्टेज आ रहा है, लेकिन पेप सिग्नल नहीं होने की वजह से नहीं हो रहा है। और यह अभी पूरा चल रहा है लाइट, देखिए मैंने ऑफ किया, अभी ऑन किया, इस तरह यहाँ पे भी आ रहा है, तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से हमें पेप सीसी को चाहिए, फिर से मैं पार्किंग दूंगा। आ गया, अब क्या, तो यहाँ पे भी कुछ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। कम्युनिकेशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा क्लस्टर अभी ऑफ है, क्लस्टर जैसे ऑन होगा तभी यह कम्युनिकेशन होगा, और क्लस्टर ऑफ इसलिए है क्योंकि पेप्स इशू में प्रॉब्लम है। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिले। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें।